नमस्कार दोस्तों, मैं सागर कुमार आपका स्वागत करता हूं सेंसिबल के इस नए हिंदी डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं हमारा मार्केट एनालिसिस। आई एम रियली सॉरी, कुछ मैं लाइव जाने की कोशिश कर रहा था और कुछ टेक्निकल इशू हो गया, वो लाइव जा नहीं पा रहा सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो प्री रिकॉर्ड करके मैं वीडियो डाल रहा हूँ। तो बहुत सिंपल सा बात है कि हमने कल एक चीज कही थी कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर चैनल के टॉप पर हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि वो मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मार्केट टॉप से रिजेक्शन ले रहा है। अब ये अभी भी तय नहीं है कि बॉस मार्केट यहां से पूरी तरह इस तरह नीचे जाएगा, ठीक है, ये वाला रास्ता अपनाएगा, या मार्केट यहां से इस तरह बाउंस बैक करेगा, ठीक है। तो सबसे पहला मैं आपको बता देता हूं कि बॉस अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम के चार्ट पर चलते हैं यहां पर, तो हमें कुछ ये दिखाई देता है, ठीक है, इस तरह का हमें कुछ पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है कि बॉस मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ठीक है। तो अगर आप इस तरह के ट्रेंड लाइन भी लगाएंगे तो मार्केट हालांकि इस पर्टिकुलर ट्रेंड के नीचे चल रहा है, परंतु अगर आप देखें कि ये जो दिन है ये वो बड़ा बुलिश डे दिन थे, बुलिश डे था, जहां पर मार्केट ऊपर गया था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर यहां पर क्लोजिंग दिया है। तो ये जो स्विंग हो जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो जो कि मैं कह दूं 17,900 का लेवल जो है वो बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है यहां पर। अब इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो इमिडिएटली आप 100 पॉइंट का फॉल मार्केट में देख सकते हो आसानी से। कहां तक आ सकता है ये जो 17,800 का लेवल है, ये कौन सा लेवल है? ये वही लेवल है जिसके लिए मैंने आपसे कहा था कि यहां पर मार्केट ने ये स्विंग बनाया, ठीक है। अब यहां से मार्केट ने इस पर ब्रेकआउट दे दिया, यहां पर मार्केट में भी इसे रीटेस्ट करने के लिए फिर से आपको यहां तक आ सकता है, यहां तक रीटेस्ट करने के लिए इसको फिर से आ सकता है। और दूसरी बात, यहां पर क्या है, ये बहुत बड़ा गैप भी है, तो ये भी ये पर्टिकुलर गैप भी एक सपोर्ट की तरह मार्केट में बिहेव करेगा, ठीक है। तो किसी भी तरह का मैं ये नहीं कहूंगा कि बस कोई बड़ा मार्केट में टर्न नीचे साइड पर आ सकता है, परंतु हाँ थोड़ा बहुत हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है अगर मार्केट 17,900 का लेवल ब्रेक करता है तो, ठीक है, आपको 17,800 तक आपको आराम से मार्केट देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये बात तो रही निफ्टी की। वहीं अगर ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो आज की अगर बात करी जाए तो आज तो कॉल ड्रिवन डे था, कॉल सेल का दिन था आज, जो लोगों ने जम के कॉल सेल किया, और ये कॉल सेलिंग अगर आपको ध्यान हो तो कल से शुरू हो चुकी थी, जब मार्केट अपसाइड पर मार्केट ने पहली बार रिजेक्शन लिया था, वहां से कॉल सेलिंग शुरू हो गया था। 18,100 से जब मार्केट रिजेक्ट हुआ था तो वहां से कॉल सेलिंग मार्केट में शुरू हो गया था, और आज एग्रेसिव रहा कॉल सेलिंग, तो अच्छे खासे सब ऊपर रेजिस्टेंसेस दिखाई दे रहे हैं। नीचे एक अच्छा सपोर्ट अभी 18,000 ही है, ठीक है, हालांकि मार्केट उससे नीचे है, बट इसको लेवल टूट गया ये नहीं कह सकते अभी, ठीक है, क्योंकि उसके नीचे भी कई जो गैप्स हमने डिस्कस करे चार्ट में, अभी भी वो गैप्स हैं जो कि एक सपोर्ट की तरह बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी की अगर आप बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में भी मैं कहूंगा कि सिमिलर सॉर्ट ऑफ स्टोरी है यहां पर भी। अगर हालांकि बैंक निफ्टी मार्केट ये पर्टिकुलर स्विंग है, इसके नीचे ट्रेडिंग करना शुरू कर चुका है मार्केट, ठीक है, इसके नीचे अभी ये पर्टिकुलर जो लेवल है, ये जो पर्टिकुलर गैप है, ये मार्केट यहां तक आ सकता है जो कि अराउंड 37,600 का लेवल है, यहां तक मुझे मार्केट जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यहां तक आ सकता है मार्केट, ठीक है। सिमिलरली बैंक निफ्टी का भी अगर ओआई देखेंगे तो ओआई सिंपल सा आपको यहां पर दिखाई देगा कि बहुत अच्छे रेजिस्टेंसेज हैं, पर उतने कोई बढ़िया सपोर्ट अभी दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है, ओआई पर। और पीसीआर भी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का 0.9 के आसपास चल रहा है, जो कि हालांकि बुलिश पीसीआर कहूंगा मैं है, बट थोड़ा सा हमें एक और क्लू मिलता है एफआई डेटा की तरफ। एफआई डेटा में आज ऑप्शंस में भारी मात्रा में पुट्स बाय करे गए हैं यहाँ पर, ठीक है, बहुत ही बड़ी मात्रा में पुट्स यहाँ पर बाय करे गए हैं, जो कि हमें थोड़ा सा नेगेटिव साइन यहाँ पर दिखा रहा है। फ्यूचर्स और स्टॉक्स में कोई खासा बड़ी एक्टिविटी हुई नहीं है, तो अगर आप मेरे से निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए पूछेंगे तो मैं सिंपल सा यही कहूंगा कि बस मार्केट थोड़ा रिजेक्शन दिखा रहा है ऊपर के लेवल्स पे, ऊपर के लेवल से, तो थोड़ा सा कॉशियस हो जाना पड़ेगा हमें। अगर मार्केट हाई ब्रेक करता है तो हमें और लंबा मार्केट देखने को मिल सकता है, वहीं अगर मार्केट 17,900 का लेवल तोड़ता है तो 100 पॉइंट का आपको इजीली फॉल मिल सकता है, ठीक है। तो इसके थोड़ा सावधानी से खेलना, अगर ये पर्टिकुलर कैप्चर करने जा रहे हैं तो बहुत जल्दी आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, तो थोड़ा सावधानी से इसको प्ले करें, ठीक है। बढ़ते हैं यूएसडी आईएनआर की तरफ। तो यूएसडी आईएनआर में
अगर मैं डेली कैंडल पर जाता हूँ तो वही जो हमने कल कहा था, नेगेटिवनेस है प्रॉपर, ठीक है। अगर मैं ये मूविंग एवरेजेस हाइड कर दूं तो यहाँ पर दो ट्रेंड लाइन हमने डिसाइड करी थी कि बॉस ये दो ट्रेंड लाइन बन रही हैं, एक तो ये वाली, ठीक है, यहाँ तक इजीली आ सकता है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा मार्केट से ब्रेक कर रहा है, अपसाइड पर जाने की कोशिश कर रहा है, बट हाँ नेगेटिवनेस अभी बनी हुई है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी कॉल सेल का एक अच्छा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो मेरे हिसाब से जाना चाहिए, ठीक है, आपने कॉल सेल की तरफ। और किसी भी तरह का अगर अपटिक मार्केट में, अभी यहाँ पर एक चांस था जब मार्केट ने ये ब्रेक किया था तब एक अच्छा चांस था इसको सेल करने का, ठीक है। और अगर मार्केट अपटिक के लिए जाता है तो इन लेवल्स पे वापस मार्केट रिजेक्शन लेगा तब और आपको एक अच्छा चांस मिलेगा कॉल सेल करने के लिए यहाँ पर, ठीक है। तो काफी लगता है हमने जल्दी कंप्लीट कर लिया, और कल मैं को फिर से कोशिश करूंगा लाइव आने की, तो लेट्स सी। और हाँ इसी के साथ हमेशा की तरह जो मैं आपसे कहता हूँ कि वही कहूंगा कि बॉस पैसा आपका है, आपको सोच समझ के ट्रेड करना है, और अगर श्योर हैं तभी ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस और हेज के साथ ट्रेड करना है। इसी के साथ हैव अ सेफ एंड हैप्पी ट्रेडिंग विद सेंसिबल।